अपने कवि वर्ड्स में आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दी गई घंटी के निशान को भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज मैं आपको बताऊंगी एक लाजवाब नुस्खा जिसके इस्तेमाल से फ़ायदे भी लाजवाब मिलेंगे। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप मुरझाए हुए फूल से खिले हुए फूल की शक्ल में आ जाओगे। ये नुस्खा बहुत ही ताकत रखने वाला नुस्खा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं 10 अदद बादाम, दूसरे नंबर पर आपने लेनी है इलायची सिर्फ 2 अदद, और आखिर में आपने छुमारे लेने हैं सिर्फ 2 अदद। ये आपका सिर्फ एक दिन का नुस्खा है। इसे रोज़ाना ऐसे ही तैयार करके इस्तेमाल करना है जैसे मैं बता रही हूँ। आपने बादाम को पूरी रात जो है पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह आपने बादाम का छिलका उतार कर और किसी पत्थर वाले हवन दस्ते में बादाम और इलायची के दाने और छुआरे बारीक पीस लेने हैं, ठीक है। और इसमें आपने मिश्री जो है 50 ग्राम पीसकर वो भी शामिल कर देनी है। और फिर आपने इसे 50 ग्राम गाय का मक्खन के साथ इस पेस्ट को उसमें मिक्स कर चाट जाना है। अगर आपका चेहरा कमज़ोरी की वजह से पीला हो गया तो इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर एक सुर्ख लाली आ जाएगी। इसका इस्तेमाल आपके जिस्म को बेशुमार फ़ायदे देगा और ये सेहत के लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।